15 दिन के टाइम पे इतनी भयानक मौत मरिएगा, इतनी भयानक की कोई हद नहीं। कहावत कहा जाता है कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ता जैसा भौंकने लगेंगे, पानी से आपको इतना डर लगेगा जिसका कोई हद नहीं, कोई हवा चलाने लगेगा हवा से डर लगने लगेगा, अंधेरे से डर लगेगा, ब्रेन का नसों को काटने लगेंगे सब। कुत्ता बिल्ली जानवर किसी काटने से क्या होगा? रेबीज। किसी कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता है, उसके शरीर में पहले से रेबीज होता है, उसके शरीर में पहले से रेबीज होता है, और रेबीज उसके लार ग्रंथि में ज्यादा अवेलेबल होता है। अब तो कुत्ता बिल्ली ऐसे ना अपने मुंह से भी ऐसे ऐसे साफ करते रहता है, देखिए उनसों का कान उन खुजलाना होगा तो ऐसे ऐसे बैठ के ऐसे खुजलाएगा, देखिएगा ना यहाँ पे बूढ़ कुकुर हो जाता है तो हमेशा कुछ ना कुछ उपटले रहता है उनसों का हमेशा, तो उनसों के हाथ पंजे में भी क्या आता है? रेबीज आ जाता है। तो अब लोगों को लगता है इसे बकोट लिया तो कोई दिक्कत, अरे मुआ हुआ सब खुजलाते रहते हैं उसी से। तो ये रेबीज वायरस से फैलता, रेबीज वायरस जैसे आपको काटेगा ना आपके शरीर में घुस जाएगा, और ये धीरे धीरे एक हफ्ते में अपनी संख्या बढ़ा लेगा, और ये आपके नस के माध्यम से प्रवेश करेगा, और जैसे नस के माध्यम से प्रवेश करेगा ना तो इसे पतली नसों में रहना पसंद है, तो सीधे कहाँ चला जाएगा? ब्रेन में। अब ब्रेन में कहेगा कि कितना अच्छा नस है यहाँ पे, एकदम पातर पातर, कोनो भीड़ भाड़ नहीं है, इधर उधर के नस में तो ऐसे हड़हड़ा के पानी जा रहा था, हड़हड़ा के यहाँ पे इतना अच्छा नस है, ए अब हो इधर हल जा, सब कब्जिया लेगा सब ब्रेन में। अब ब्रेन कब्जा लेगा, अब आपको हो गया, अब आपको लक्षण दिखेगा, अंधेरे से डर लगेगा, ब्रेन का नसों को काटने लगेंगे सब वहाँ पे, कुत्ता जैसा भौंकने लगेंगे, पानी से आपको इतना डर लगेगा जिसका कोई हद नहीं, कोई हवा चलाने लगेगा हवा से डर लगने लगेगा, मतलब 15 दिन के टाइम पे इतनी भयानक मौत मरिएगा, इतनी भयानक की कोई हद नहीं। कहावत कहा जाता है कुत्ते की मौत मरेगा, कहावत है कि घसीट के कुत्ते की मौत मरेगा, यहाँ समझ में आ गया? ए कुत्ता मर जाता है सब, कुत्ता के अंदर रेबीज होता है बट वो कंट्रोल्ड अवस्था में है, वो उसके लिए हैबिचुअल है, और वो रेबीज अगर बहुत ज़्यादा उसमें फैल गया तो कुत्ता भी मर जाता है। रेबीज जब कुत्ते पे अटैक कर देता है ज़्यादा लेवल पर उसके ब्रेन को, तो कहते हैं लोग कुत्ता पागल हो गया है, तो कुत्ता कैसे पागल हो जाता है? क्या उन्होंने कुत्ता को टेंशन थोड़े है कि पगला जाएगा वहाँ पे, टेंशन से कुत्ता थोड़ी पागल होता है वो रेबीज वगैरह उसका अटैक होता है रेबीज का तो क्या हो जाता है? पागल हो जाएगा। तो इसका इंजेक्शन लगाना जरूरी है, जैसे कुत्ता काटे सबसे पहले उस एरिया को अच्छा से धुलिए और वहाँ पे साबुन से धुलिए, और साबुन को 2-4 मिनट वहाँ छोड़ दीजिए, समझ में आ गया? साबुन की खासियत क्या होती है कि डिटर्जेंट जो होता है वो कितना भी खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस हो उसकी बाहरी खबर को, उसकी कोशिका भित्तीय को फाड़ देता है, उसी का भीति फाड़ दिया, माइटोकांड्रिया एंटेन सब बाहर चला गया, मर गया वहाँ पे। तो साबुन ही नहीं गया, ऐसे ऐसे धोए चल दिए, ठंडिया के दिन में तो अंगूरिया धो के चलाता है सर, ऐसे साबुन बढ़िया से धो और थोड़े देर तक उसको लगा के छोड़ दो, थोड़े देर तक लगा क्या करो छोड़ दो, उसके बाद धुल दो, टेडबैक का इंजेक्शन ले लो और चले जाओ चुपचाप डॉक्टर के पास और रेबीज का इंजेक्शन ले लो, समझ में आ गया? चुपचाप ले लो। रीजन क्या है कि सपोज जो कुत्ते ने आपको काटा है उसको रेबीज नहीं था, सपोज उसको रेबीज नहीं था और आप इंजेक्शन ले लिए तो क्या जाएगा आपका? 600-700 रुपये का इंजेक्शन लॉस होगा, यही ना 1000-1500, कई इंजेक्शन लगते हैं, एक वो 600-700 का नहीं आता, एक तो नॉर्मल आता होगा 200-250 का आता, उसके कई साइकिल लगते हैं, तो मान के चलिए आपका 1000-1500 रुपये का फाइनेंशियल लॉस होगा। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर उसे रेबीज हो गया होता पूरी जीवन बर्बाद, और याद रखिएगा जो इंसान मरता है उसे तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ उसे होती है जिसे वो छोड़ गया है, समझ में आया? तुम लोग डर कह जाती हो, भूकंप नहीं है ऊपर बिल्डिंग बन रहा है, हाँ वो भूकंप रोधी है और इसको भूकंप से कोई दिक्कतें नहीं है, उधर की बिल्डिंग सब कैसी है? भूकंप रोधी। अब आप लोगों से पहले बैच वालों से कहते थे कि भूकंप रोधी है तो मन में नहीं करता था, जब बन रहा था तो देखी थी लोग, हाँ 20 फीट नीचे, 20 फीट, और मतलब छत की ढलैया इतनी होती है ना, छत कितना होता है, इतना ही मोटा छत होता है, और ये इसका बेसमेंट इतना मोटा ढाला गया है, भूकंप भूकंप आएगा तो नीचे झाड़ दो, ए उस दूसरे हॉल में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मिलता है, हाँ
फ्री वगैरह मिलता है। सांप वाप का भी इंजेक्शन सरकारी हॉस्पिटल में फ्री मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन अवेलेबल रहना चाहिए। फ्री मिलता है लेकिन रहना भी तो चाहिए। पता चला डॉक्टर ही नहीं रह पाता है। इंडिया में हॉस्पिटल और एजुकेशन दोनों को सेम विधि से चौपट किया है सर। गांव गांव में हॉस्पिटल डाल देंगे, ना बढ़िया मास्टर वहां जाना चाहता है, ना बढ़िया डॉक्टर जाना चाहता है। दिक्कत क्या होता है कि सरकारी अस्पताल में भैंस बैठ पे सुतल है, और दवाइयाँ प्राइवेट में बेच देगा, कोई जइबे नहीं करेगा, तो पैसा बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। बेटर है कि आप अपने हर प्रखंड में बेहतरीन हॉस्पिटल खोलिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और एम्बुलेंस सिस्टम बढ़िया रखिए। हॉस्पिटल बनाने में से जितना ज़्यादा खर्चा आएगा, एम्बुलेंस में कौन खर्चा आने वाला है, उसके तुलना में तो बहुत कम आएगा। एम्बुलेंस रखिए, धड़ाधड़ मरीज को बैठाइए, ले आइए ले आइए ले आइए, इलाज करिए, पहुँचा दीजिए, जाओ। वैसे ही क्या है, एजुकेशन में भी है, हर प्रखंड लेवल पे एकदम बेहतरीन स्कूल हो, भर भर ले आइए, पढ़ा के पहुँचा दीजिए। बस में पकड़ पकड़ ले आइए, आप पढ़ा के छोड़ दीजिए, जाओ। रवि समझ में आ गया? छोटे बच्चों को जब भी कुत्ता काटे तो उन्हें समझाना है कि बाबू शुरुआत में बता दोगे जिस दिन काटा है उसी दिन, तो एक टैबलेट से सही हो जाएगा, नहीं तो इंजेक्शन लेना पड़ेगा। छोटे बच्चों को झूठ बोल के समझाना जरूरी है, क्योंकि वो इंजेक्शन से बहुत डरते हैं, उस डरे बताएगा नहीं फिर बेचारा मर जाएगा। समझ में आ रहा है? लड़की लोग, लड़का लोग, सब लोग को बचपन में अपना याद कीजिए ना, सुई लगाने के नाम पर एकदम आदमी हदस जाता था। अरे बाप रे बाप, अभी हो तो अब आप लोग अभी बड़ी नहीं ना हुई है। तुम लोग को डर लगता है? अरे डर क्या, पता है कि अब थोड़ा सा दर्द करेगा यहाँ पे, लेकिन जब वक्त के साथ दिमाग बड़ा होने लगता है ना, डर खत्म हो जाता है। लेकिन लेकिन समझ गई बबनी, कैसा लगता होगा इसे खटखट खटखट अंदरवा करता होगा। अरे बड़ बैग में छोट सामान रखो, ठक 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 नहीं करेगा। आवाज नहीं करता है तब पूरे खाली है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूरा भरा भी रहेगा तो भी आवाज नहीं करेगा, नहीं समझी? हाँ अच्छा, पूरा भरा हुआ है, हाँ ठीक है, तो आवाज नहीं करेगा तब। अब क्या भरा है अब कौन जाने। देहात में कहा जाता कि तेरे दिमाग में तो भूसा भरा। भूसा क्या होता है सर, तब तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है। तुम्हें अगर भूसा नहीं पता है तो